स्वागत है सभी मित्रों का टेक्निकल गुरु चैनल में। यहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो समस्या आपके सामने आ रही है उसका समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे समाधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप एजुकेशन पोर्टल पर विजिट कर लीजिए। इस पर ये साइट जो है इस पर जाके आप चले जाइए www.educationportal.mp.gov.in। ये जो ऐप पोर्टल, इस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद आपको जो समस्या आ रही है कि आपको SMS नहीं आ रहा है, उसके लिए आप इस नंबर पे फ़ोन करें। नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर है 8120078140। इस पर सुबह 10:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक आप फ़ोन करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आज 7 तारीख की स्थिति में, 7/9/2017 की स्थिति में 138,950 आवेदकों का सत्यापन हुआ है। और जिलावार जो सत्यापन हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट देखने की व्यवस्था भी यहाँ पर है, वो भी देख सकते हैं आप। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए हर ज़िले की प्रोसेस्ड कितने हैं, वेरीफाइड कितने हो गए हैं और रिजेक्ट कितने हो गए हैं सब, और एज ऑन डेट यानी 7/9/2017 तक कितने हो गए हैं, वो सब जानकारी है अवेलेबल। आप भी ये जानकारी जो है जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप बात करते हैं, ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी dpi.atithi@gmail.com, इस पर जाकर भी आप समस्या के बारे में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और गेस्ट फैकल्टी के जो है पोर्टल पर जाने पर ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है कि असत्यापित आवेदकों को पोर्टल पर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड को SMS के माध्यम से पुनः प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर ऑप्शन अवेलेबल है। आज दिनांक 1/9/2017 तक 138,950 आवेदकों का सत्यापन हुआ है और जिलावार सत्यापन की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, आपका वेरिफिकेशन स्टेटस देख सकते हैं। मान के चलिए मुझे वेरिफिकेशन स्टेटस देखना है, यहाँ क्लिक करूँगा मैं, यहाँ मोबाइल नंबर डालूँगा, यहाँ कोड डाल के व्यू वेरिफिकेशन स्टेटस पे क्लिक करूँगा तो एक मुझे मैसेज शो करेगा कि आपका जो है सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है, और हो गया है तो बता देगा, नहीं हो गया है तो नहीं बताएगा, है ना। पीछे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या हुआ है। और यहाँ पे अब देखते हैं सर्कुलर्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो जारी सर्कुलर्स भी अवेलेबल हैं। नोटिस है, आवेदन को सुधारना है तो 9/9/2017 के बाद आप सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से आप वेरिफिकेशन कोड भी प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन विंडो पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करना है। और आप जो है इसके बाद एक पेज आपका ओपन होगा, जो पेज ओपन होगा उसमें आपको इस प्रकार से दिखेगा, आप दिखेंगे। और ये पेज जो है ये तो लॉगिन होने का सूचक है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। फिर इसके ऊपर जो है तीन ये लाइनें दिख रही हैं, ये तीन लाइनें, इन तीन लाइनों पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर जाएंगे। मैं दिखाता हूँ कौन सा नया पेज है जिस पर आप जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। ये एक पेज है जिस पर आप पहुंचेंगे और इधर आपका जो है मोबाइल नंबर और आपका नाम शो करेगा। नीचे लिखा हुआ गेस्ट फैकल्टी, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे और ऑप्शंस खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन है प्रिंट लॉक एप्लीकेशन, तो ये इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरा है प्रिंट वेरीफाइड एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली कि एप्लीकेशन को कैसे प्रिंट करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे प्रिंट वेरीफाइड एप्लीकेशन पर, तो आप अपनी जो है एप्लीकेशन को प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, नीचे है फिर वेरीफिकेशन स्टेटस कि आपने वेरीफिकेशन हो चुका है आपका कि नहीं हो चुका है, वो जानने के लिए आप तीसरे नंबर पर क्लिक करिए। चौथा है गेट वेरीफिकेशन कोड। गेट वेरीफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुलेगी, वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। और नीचे है गेट वेरीफिकेशन कोड बाय आधार, इसमें आपको आधार नंबर जो आपका डाला होगा उस आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका कोड आ जाएगा, है ना। तो ये गेट वेरीफिकेशन कोड बाय आधार और गेट वेरीफिकेशन कोड। अब चलिए अब हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको अगर प्रिंट करना है तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक कीजिए, एक प्रिंट आपका खुल जाएगा। उस प्रिंट को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो वहाँ जाके कियोस्क पे एक प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आपको गेट वेरीफिकेशन कोड पे आप क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा वो देखते हैं। तो आपको फिर यहाँ पे आप जब गेट वेरीफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस ऐसा पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं। और इस पेज पे आपको एक दो बॉक्स मिलेंगे, पहले में आपको मोबाइल नंबर और दूसरे में आपको कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। नीचे आपको एक कोड दिखेगा, उस कोड को आपको जैसा का जैसा आपको नीचे बने बॉक्स में एंटर कर देना है और गेट वेरीफिकेशन ऑन मोबाइल पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना कोड प्राप्त कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है और इसको आप करके आप कर सकते हैं आसानी से। प्रिंट का मैंने आपको बता ही दिया, गेट वेरीफिकेशन कोड ये बता ही दिया, आधार से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया है, और कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और इसके अतिरिक्त आपको आधार से जैसे लेना है अगर अपना वेरिफिकेशन कोड, तो आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपसे आधार नंबर मांगा जाए तो अपना आधार नंबर दे देना, और आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस मोबाइल नंबर पर कोड आ जाएगा, है ना। ये पूरी प्रक्रिया है। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई शिकायत आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पे मेल भेज दीजिए, और ये फ़ोन नंबर आपको दिख रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए अवश्य जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या है तो यहाँ से उसका समाधान हो जाएगा। 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आप इस पे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। बाकी आप लोगों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए मैं भी निश्चित रूप से वीडियोस में मैं समस्याओं के समाधान करता रहता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे आप लोगों को जो भी समस्याएं आएं उनके बारे में नीचे कमेंट भी करें, और जिन लोगों का हो चुका है सत्यापन वो तो उनको प्रॉब्लम है ही नहीं, जिनका नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें। और अगर कुछ आपकी रिजेक्ट हो गया है तो फिर आप जो है रिजेक्ट होने की स्थिति में आप वेट करें 9-10 तारीख़ तक का। उसके बाद जो भी सूचना आएगी उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और बने रहें हमारे साथ जहां हम आपको देते हैं लेटेस्ट खबरें आपसे संबंधित होती हैं, अतिथि शिक्षकों से भी और अन्य सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड भी, और
जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही हैं, वो न्यूज़ के बारे में भी और जो लेटेस्ट है सब आपको यहाँ पे मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।